हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियना। एंड आज है हमारा डे कौन सा डे है हमारा, शायद थर्ड डे है या आज सिक्स डे है। ओ माय गॉड, इट्स अ लॉट। सो या आज है 25th और आज हमारा चेकआउट है इस नेस्ट नेचर से। और नेस्ट नेचर वॉज अ ब्यूटी, कैसे आपको बताएं। और हमारा जो लगेज है वो पैक हो चुका है, अब हम निकलने वाले हैं। सो आज हमारी दूसरी बुकिंग है। एंड ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है वो कल है। सो आज फिर मैं जाऊंगी, वैसे कल भी मैं गई थी, आज फिर जाऊंगी। एक्चुअली बहुत भीड़ होती है और मैं अपने में एंगेज हो जाती हूँ, इसलिए मैं वहाँ का नहीं ज़्यादा दिखा रही हूँ। एक्चुअली इफ़ आई एम एंगेजिंग विद सम डिस्कशंस, नोबडी इज देयर टू कैप्चर मी बिकॉज ही इज ऑल्सो बिजी विद हिज वर्क्स, राइट। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और चलो अब मैं पहले ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद निकलूंगी और फिर आपको मैं मिलती हूँ शायद नेक्स्ट स्टॉपेज पे। दैट इज मींस अभी हम लोग ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करके मैं आपको रूट बता देती हूँ। रूट यहाँ से ये है कि हमें यहाँ से S50 लेनी होती है नेस्ट नेचर से, बिकॉज ये थोड़ा आउटवर्ड्स एरिया में है। सो वी हैव टू टेक S50। S50 से हम जाते हैं होटल डॉफ की तरफ। होटल डॉफ से हमें मिलता है एक मेट्रो जो हमें लेके जाती है सिटी में, आइदर कार्ल्स प्लस, फिर उसके बाद हम KIC में जाते हैं जो कि हमारा जहाँ पे वेना का मींस EGU का प्रॉपर सेंटर है, ऑस्ट्रिया सेंटर है वहाँ पर, EGU का प्रॉपर वहाँ पे ही कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो अभी हम लोग निकलते हैं और मैं आपको मिलती हूँ अपने लोकेशन पे जो कि ऑलमोस्ट सिटी सेंटर के क्वाइट पास है। एंड वहीं मिलती हूँ, चलो बाय, बाकी बातें वहीं करते हैं। हमारी बिलिंग हो रही है यहाँ पे काउंटर पे। यहाँ पे ना आप ट्रेन्स के अंदर अपनी साइकिल्स भी लेके जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डोर के साथ एंटर करते ही साइड्स पे इन्होंने जो सीट्स बनाई हैं वो बिल्कुल साइड पे लग जाती हैं, जैसे कि हमारे सिनेमा हॉल्स में होती है। यू हैव टू पुल डाउन और उसके बाद आप उस पर बैठ सकते हैं। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट हॉस्टल में जिसका नाम है डू स्टेप इन। और यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अभी चेक इन किया है, बट हमें अभी रूम्स नहीं मिले क्योंकि हम बहुत अर्ली पहुंच गए थे। लेकिन मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ कि इन्होंने इतना अच्छा डेकोर किया है, इतना अच्छा देखो चेस बोर्ड बनाया है इतना बड़ा सा, और इतना अच्छा ग्रीनरी इन्होंने प्रोवाइड किया, बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ अपना लगेज को लगेज रूम में डाल के निकल पड़े हैं। तो हम लोग अभी चेक इन करके आ गए हैं एंड अब हम जा रहे हैं वापस अपने वेना सेंटर। अपना झोला चख लिया हमने और वापस से वेना सेंटर जा रहे हैं। सारे पेन मार्के लाएंगे, कॉपी मार्के लाएंगे। इतना भी सच नहीं बोलना था भाई, इतना भी सच नहीं बोलना था। सो अभी आप रोड देख सकते हैं ऋषि नहीं, और वेदर देखो कितना मस्त हो रहा है। बारिश आई, पता है जब वहाँ से निकले तो बारिश आई थी, तो थोड़ा भीग गए थे। दो दिन से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जिस दिन हम आए थे उस दिन कम ठंड थी एज कंपेरेटिवली, बट अभी दो दिन से ज़्यादा ठंड हो रही है। यहाँ कितनी सारी खाने की शॉप्स हैं, हमारे वहाँ नहीं है ना इतने खाने की शॉप। मेट्रो स्टेशन पे हमें मॉल्स दिखे तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग कर ली और अब हम जा रहे हैं वेना सिटी सेंटर। तो हम लोग यहाँ गए और देखिए इस इंसान को एक कॉफी मग मिला है प्राइज में, फर्स्ट प्राइज। कल एक फॉर्म फिलिंग सर्वे टाइप था, उसमें हम दोनों ने फॉर्म भरा था और देखिए इनको फर्स्ट प्राइज मिल गया है, इतना बड़ा कॉफी मग जो बाद में मेरे पास ही आने वाला है। खैर तो देखा मैं कितनी लकी हूँ। Good choice. Good this one. This is blue, I guess.
It's a liquid and 1 earth. Yeah, that's blue and that's charcoal, I think. Okay, but 1 earth is better. Yeah. Do you mind if we take a photo of you with us? Like a celebrator? लो आज मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देती हूँ कि आफ्टर कॉन्फ्रेंस क्या होता है। यहाँ पे एक घंटा दिया जाता है जहाँ पे ड्रिंक सर्व की जाती है, जूसेस सर्व किए जाते हैं, और देखिए कितनी भीड़ है, जनता यहाँ पगला जाती है क्योंकि यहाँ पे बियर्स वगैरह भी मिलती हैं। हम तो पीते नहीं, खैर हम लोगों ने जूसेस वगैरह लिए और चिल एंजॉय किया। देखो कितनी 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 भीड़ है ब्रो। यहाँ बज रहे हैं 7:45 और देखो चांदना कितना है, बादल कितना है ब्रो, बादल 7:45 हो रहे हैं यहाँ। और अब हम वापस जा रहे हैं, सभी यहाँ पर घूम रहे हैं ऐसे ही यहाँ पे, क्योंकि बियर्स और ड्रिंक्स मिलती हैं पीने के लिए और ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही है। सभी टायर्ड अप हैं प्रॉपर अच्छे से, और कल मेरा प्रेजेंटेशन डे है तो अभी मैं डिनर करूँगी, पहले थोड़ा सा घूमूंगी भी, फिर आपको मिलती हूँ जहाँ चलूँगी। अब हम वापस अपने हॉस्टल आए हैं और हमने अब कीज ले ली हैं और लेट हो गया है, तो अब हम खाना खाने जाएंगे। और ये देखिए किचन एरिया कितना प्यारा है इनका। हाँ तो हम खाने के लिए अब आए हैं मैकडी में, और मैकडी में हमें बर्गर शर्गर नहीं मिले क्योंकि वेजिटेरियंस के लिए और कोई ऑप्शन भी तो नहीं होता ना, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम ये ब्लॉग यही एंड करते हैं और आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आप मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हो तो प्लीज 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 जल्दी से सब्सक्राइब करो और मेरे अगले ब्लॉग का वेट करो। बाय बाय।